हेलो गाइस, वेरी वॉम वेलकम इन दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो रामानंद सागर के रामायण है उसमें जिन्होंने शत्रुघ्न का कैरेक्टर निभाया था गाइस, उनके बारे में सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि वो इस वक्त क्या है, कहां पर करते हैं और टीवी पर वो हमको क्यों नहीं नजर आते हैं। तो गाइस, इन शॉर्ट में आपको देने वाला हूं रामायण के शत्रुघ्न के बारे में फुल्ली अपडेट। तो गाइस, बिना किसी को टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा जो रामानंद सागर की रामायण थी, गाइस ये रामायण इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट गई थी कि क्या दर्शक इस रामायण को देखने के लिए पागल हो जाते थे, गलियां एकदम सुनसान पड़ जाती थी, एक तरीके से कर्फ्यू लग जाता था पूरे मोहल्ले, पूरे गली, पूरी कंट्री में जब ये रामायण का एपिसोड टेलीकास्ट किया जाता था। गाइस, इसका हर एक कलाकार, चाहे वो लक्ष्मण हो, सीता हो, राम हो, जाए वो रावण का हो, जाए वो हनुमान का हो, किसी का भी हो, हर एक कैरेक्टर दर्शकों के मन को बहुत लुभाया और गाइस हर एक कैरेक्टर दर्शकों के मन में अपनी एक अनोखी छवि ढील कर गया है जिसको मिटाना किसी और कलाकार के लिए असंभव सा है। गाइस, इन्हीं में से एक हमारे पार थे शत्रुघ्न का। जी हाँ गाइस, शत्रुघ्न को तो आप जानते ही होंगे, राम के सबसे छोटे वाले भाई थे सुमित्रा पुत्र शत्रुघ्न। गाइस, इनका जो कैरेक्टर था वो गाइस प्ले किया था समीर ने। जी हाँ गाइस, समीर राजना ने ये कैरेक्टर प्ले किया था और गाइस उन्होंने काफ़ी अच्छा दर्शकों को एंटरटेन भी किया था। गाइस, जो समीर राजना गाइस इनका जो जन्म हुआ था वो गाइस हुआ था 20 अप्रैल 1963 को गाइस हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। गाइस इन्होंने अपनी सारी एजुकेशन भी यहीं मुंबई में ही कंप्लीट की। गाइस इसके बाद इनको ये नहीं कि इनको डायरेक्ट ही एकदम रामायण का ऑफर आ गया। गाइस इन्होंने भी जैसे हर एक ज़्यादातर एक्टर अपने धीमे धीमे शुरुआत होती है, वैसे गाइस इनके भी इन्होंने पहले जो गुजरात सिनेमा में गाइस इसमें इन्होंने ड्रामा काफ़ी किए, काफ़ी अच्छे गुजरात में इन्होंने एंटरटेन किया दर्शकों को। फिर गाइस इनके पास ऑफर आता है रामायण का। जी हाँ गाइस, मैं उसी रामायण की बात कर रहा हूँ जिसमें इन्होंने शत्रुघ्न का किरदार निभाया था और गाइस ये रामायण इतनी ज़्यादा हिट गई और इसकी वजह से इनको लोग हर घर में शत्रुघ्न के नाम से जानने लगे। गाइस और अगर हम बात करें इनकी कुछ फैमिली की, तो गाइस इनके जो फादर थे वो गाइस थे मूलराज राष्ट्रा। गाइस ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने बिल्कुल नहीं स्ट्रगल करा, जाहिर सी बात है किसी को भी सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है, लेकिन गाइस इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी गाइस एक्टिंग में ही थी। गाइस इनके जो फादर मूलराज राष्ट्रा थे, गाइस ये अपने ज़माने के बहुत अच्छे कलाकार माने जाते थे। गाइस इन्होंने बहुत सारे टीवी में प्रोग्राम किए हैं, ड्रामा किए हैं। गाइस अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो गाइस आपको याद होगा जो रामायण में जिन्होंने जनक का कैरेक्टर निभाया था, जी हाँ गाइस सीता के पिता का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया था वो गाइस से मूलराज राष्ट्र और वो गाइस इनके रियल लाइफ पिता थे। जी हाँ गाइस, इन शॉर्ट अगर जो हम रामायण में देखें तो शत्रुघ्न और जो जनक है वो गाइस रियल के बेटा और बाप है। जी हाँ गाइस, पिता पुत्र का रिलेशन है इन दोनों में। और गाइस माना तो ये भी जाता है, कई जगह से तो ये भी न्यूज़ें आती हैं कि जो मतलब मूलराज राष्ट्र वो गाइस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, उनके पास जनक का जो कैरेक्टर ऑफर आया था तो गाइस उन्होंने ही कैसे भी अपने बेटे के लिए भी जो शत्रुघ्न का जो रोल है वो गाइस फाइनल करवा लिया था। क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है हर कोई यही चाहता कि मेरा बेटा ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सक्सेसफुल मैन बने, लेकिन गाइस इन्होंने वो पॉपुलैरिटी, वो फेम नहीं हासिल कर पाए जो कि गाइस इनके पिता ने फेम हासिल किया था। गाइस ऐसा नहीं, ये भी बिल्कुल फीकर है, काफ़ी अच्छा इन्होंने भी एंटरटेन किया। इन्होंने इसके बाद बहुत सारे टीवी सीरियल में देखे गए, ज़्यादातर माइथोलॉजिकल में देखे, और गाइस जो इनके लाइफ के सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो गाइस एक तरीके से यही समझ लो रामायण का भाग होना। और गाइस अगर मैं कहूँ जो रामायण को टक्कर दे सकता तो गाइस आपके जहन में जाहिर सी बात है सबसे पहले नाम आने वाला है महाभारत का। जी हाँ गाइस, अब आप सोच रहे हो मैं महाभारत का क्यों नाम ले रहा हूँ, ये तो मैं इनके बारे में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने महाभारत में भी उत्तरा का किरदार निभाया था जो कि बी आर चोपड़ा की महाभारत है। और गाइस रामायण महाभारत दोनों ही उस जमाने के बहुत ज़्यादा सुपर टूपर हिट टीवी सीरियल रहे थे, दर्शकों को बहुत एंटरटेन किया था। ऐसे में किसी एक का भी पार्ट बनना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी काफ़ी बड़ा होता है लोगों के लिए, इस ज़माने में लोग कहते हैं। और गाइस ऐसे में दोनों महाभारत और रामायण का भाग बनना सच में बहुत सौभाग्य की ही बात होगी। तो गाइस इसीलिए उनको उसमें जो महाभारत है उसमें इन्होंने उत्तरा का किरदार निभाया था। और गाइस इसके अलावा भाई इन्होंने लव कुश किया, मैं करंटली लव कुश की नहीं बात कर रहा हूँ जो कलर्स टीवी पर आया था उसमें नहीं, एक दूसरा टीवी सीरियल था लव कुश, गाइस ये उसमें भी देखे गए थे। और गाइस ये जो लास्ट टाइम जहाँ तक सीन दिए गए थे वो गाइस किए गए थे हमारी देवरानी स्टार प्लस पे, ये टीवी सीरियल आता था लगभग 2012 तक ये टीवी सीरियल चला था, काफ़ी अच्छा इन्होंने इसमें भी एंटरटेन किया। इसके बाद अब ये जो करंटली मतलब कहीं कब बहुत ही कम मतलब लगभग बहुत ही कम एपिसोड में, एक दो एपिसोड में देख ली जाते कभी कभार क्राइम पेट्रोल में, जो कि मतलब सोनी टीवी का प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छा है, लॉन्गेस्ट रनिंग हो चुका है, शायद अभी नहीं हुआ है, लेकिन गाइस काफ़ी अच्छा एंटरटेन कर रहा है दर्शकों को, उसका भी ये पार्ट रहे हैं। और कैसे अगर हम आ जाते हैं एक सवाल पे कि अब ये हमको टीवी सीरियल में क्यों नहीं दिखाई देते, तो कैसे इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि इसके पास मतलब इनको जैसे ऑफ़र चाहिए, ऑफ़र आते हैं गाइस बहुत, एक तो बहुत कम ऑफ़र आते हैं क्योंकि गाइस
इन्हों को दर्शकों ने इतना ज़्यादा, जो शत्रुघ्न के अलावा किसी भी और कैरेक्टर में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, इसीलिए गाइस इनका इनके पास जो ऑफर हैं वो गाइस बहुत ही कम आते हैं। मैं बहुत ही कम कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ इनके पास आते नहीं, आते हैं गाइस। और गाइस दूसरा ये रीज़न है कि इनके पास ज़्यादातर जो ऑफर आते हैं वो गाइस इनको पसंद नहीं आते हैं। गाइस इनको चाहिए कुछ अच्छा, एकदम न्यू, यूनिक। और गाइस वैसा कोई भी राइटर या डायरेक्टर कोई भी इनके पास वैसा कैरेक्टर निभाने के लिए इनके पास लेकर ही नहीं जाता है। तो गाइस इसी के लिए ये टीवी सीरियल से और टीवी इंडस्ट्री से अभी हमको लापता दिखाई दे रहे हैं। होप ये जल्दी दर्शन देंगे किसी न्यू प्रोग्राम में हमको। और हम बात गाइस कर लें इनकी कुछ फैमिली की। तो गाइस इनकी जो मतलब माँ बाप ने, इनके जो मतलब इनके एक वाइफ और गाइस इनके दो छोटे छोटे से बेटे हैं, वो भी गाइस अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। और गाइस होप वो टीवी इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाएं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई बात कहनी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।